चाहे आप बीएससी बीसीए कर रहे हो या फिर बीटेक, आप लोगों ने टीसीएस का नाम तो सुना ही होगा, 3.3 एलपीए, राइट? लेकिन आपको पता है कि टीसीएस 9 एलपीए भी ऑफर करता है फ्रेशर्स को। इस वीडियो में हम लोग टीसीएस का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टीसीएस कौन सी प्रोफाइल्स के लिए हायर करता है, उसमें सीटीसी क्या रहता है एंड वॉट इज द सैलरी आफ्टर टैक्सेस विच यू आर गोइंग टू गेट। उसके बाद वी विल गेट इनसाइड द ऑफिस, वी विल नो कि करियर ट्रेजेक्ट्री क्या रहने वाली है आपकी वंस यू ज्वाइन टीसीएस। आप लोगों का हेल्थ एंड वेलनेस में कैसे ध्यान रखा जाएगा, ऑफिस के पर्क्स क्या हैं, कंपनी का कल्चर कैसा है एंड टीसीएस के एम्प्लॉयज ने टीसीएस को क्या रेटिंग्स दी हैं। देन वी विल नो कि कंपनी करती क्या है, कंपनी कितने एम्प्लॉयज को हायर करती है, टोटल कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं कंपनीज के एंड क्या ये ले ऑफ भी करती है या सेफ है। देन वी विल नो कि टीसीएस को ज्वाइन कैसे किया जाए, विच एग्जाम्स कैन यू गिव, उनका पैटर्न क्या रहता है, उनकी कट ऑफ्स क्या रहती हैं। अगर आपके एक सर्टेन मार्क्स आने वाले हैं तो आप TCS, निंजा, TCS, डिजिटल जो भी डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं उसमें से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एट दी एंड वी विल ऑल्सो नो कि TCS को छोड़ना कितना मुश्किल या कितना आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। TCS फ्रेशर्स को 3 प्रोफाइल्स के लिए हायर करती है, TCS प्राइम, TCS डिजिटल एंड TCS निंजा। इन तीनों प्रोफाइल्स में अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं। सो TCS प्राइम ऑफर्स 9 LPA टू अंडर ग्रेजुएट्स एंड आफ्टर टैक्सेस समवेयर अराउंड 72,000 पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स दिस ऑफर इज 11.5 LPA एंड आफ्टर टैक्सेस आपके बैंक अकाउंट में लगभग 90,000 आ जाता है। फॉर डिजिटल रोल अंडर ग्रेजुएट्स को मिलता है 7 LPA, आफ्टर टैक्सेस समवेयर अराउंड 52,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स दिस इज 7.3 LPA एंड आफ्टर टैक्सेस समवेयर अराउंड 54,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। फॉर TCS निंजा अंडर ग्रेजुएट्स के लिए 3.3 LPA समवेयर अराउंड 27,000 पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में आएगा आफ्टर टैक्सेस एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स इट इज 3.5 LPA समवेयर अराउंड 29,000 पर मंथ यू विल बी गेटिंग आफ्टर टैक्सेस इन योर बैंक अकाउंट। अब इन सभी प्रोफाइल्स का जो ऑफर लेटर है जिसमें आपका पूरा ब्रेकडाउन दिया होगा वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं डिटेल्ड ऑफर लेटर्स, ठीक है। अब पैकेजेस तो ठीक है लेकिन कंपनी ज्वाइन करने के बाद करियर ट्रेजेक्ट्री कैसे रहने वाली है, इसके लिए आप लोग सबसे पहले ये कॉर्पोरेट लेटर देखो। अगर आप टीसीएस निंजा निकाल कर आए हो तो आपकी डेजिग्नेशन होगी असिस्टेंट सिस्टम्स इंजीनियर। अगर आप नॉन बीटेक बैकग्राउंड से हो लाइक बीएससी या बीसीए तो आप दो लेवल नीचे से ज्वाइन करोगे। पहले आप ग्रेजुएट ट्रेनी होगे, यू विल बी गेटिंग अराउंड 2 LPA, फिर एक साल बाद आपका प्रमोशन होगा टू प्रोग्रामर, फिर एक साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा टू असिस्टेंट सिस्टम्स इंजीनियर। लेकिन अगर आप डिजिटल या प्राइम रोल से टीसीएस ज्वाइन करते हो तो आप डायरेक्टली सिस्टम्स इंजीनियर के डेजिग्नेशन पर स्टार्ट करते हो जो एक हायर स्टार्टिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू निंजा रोल। ऑल्दो जो प्रमोशंस का लेडर है वो सबके लिए सेम है लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम्स इंजीनियर जो प्राइम रोल से आया है उसका प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो सकता है। जहां पर आईटी एनालिस्ट तक पहुंचने के लिए नॉर्मल प्रमोशंस में 3 से 5 साल लग सकते हैं, प्राइम रोल वालों का प्रमोशन सिर्फ 2 से 3 साल में हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ज़्यादातर लोग TCS में 3 से 5 साल काम करते हैं, तब तक वो IT एनालिस्ट बन जाते हैं एंड एक्सपीरियंस लेने के बाद दे यूजुअली स्विच टू सम अदर कंपनी जहाँ पर उनको थोड़ा ज़्यादा पैकेज मिल रहा होता है। अब हम लोग यहाँ पर एनुअल हाइक्स की भी बात कर लेते हैं। फॉर एनुअल हाइक्स परफॉर्मेंस के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को 3 बैंड्स में बांटा जाता है, बैंड ए, बैंड बी एंड बैंड सी। बैंड ए मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आपने तो आपको हाइक मिलेगा 8-10% का, बैंड बी मतलब आपने ओकेश परफॉर्म किया है आपको हाइक मिलेगा 6-7% का, एंड बैंड सी जहां पर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको हाइक मिलेगा 4-5% का। एडिशनली अगर आप TCS में काम करते करते मास्टर्स कर लेते हैं एंड यस TCS अलाउज यू टू डू मास्टर्स अलॉन्गसाइड वर्किंग विद TCS तो यहां पर आपको 1-1.5 लाख CTC का हाइक मिल जाता है, मतलब इसके चांसेस रहते हैं। एंड TCS ज्वाइन करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो टेक स्टैक है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट दैट हैज बीन गिवन टू यू एंड वो काफ़ी रैंडम होता है। अब बात करते हैं TCS के ऑफिस पर्क्स की। TCS के ऑफिस काफ़ी मॉडर्न और एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं। ऑफिस के अंदर आपको जिम मिल जाएगा, कैफेटेरियाज मिल जाएंगे, रिक्रिएशनल एरियाज और रिलैक्सेशन जोन्स भी मिल जाएंगे जो आपके डेली वर्क लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। ये सब फैसिलिटीज इंश्योर करती हैं कि आप अपने काम के साथ साथ अपना ख्याल भी रख सको। प्लस टाटा ग्रुप की जो एंटरप्राइजेज हैं जैसे कि तनिष्क, ताज होटल, वेस्ट साइड, क्रोमा एक्सेट्रा, इन सब पर आपको स्पेशल एम्प्लॉय डिस्काउंट भी मिल जाएंगे जो कि आपकी शॉपिंग को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं। पर्क्स के बाद हम लोग बात करते हैं कंपनी के कल्चर की। तो TCS की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ की जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पर ले ऑफ का डर काफ़ी कम रहता है डिस्पाइट ऑफ द स्लो इकोनॉमी जहाँ पर बहुत सारे ले ऑफ हो रहे थे, TCS में कोई मेजर ले ऑफ्स देखने को नहीं मिले। TCS में वुमेन इन टेक, स्पेशली एबल्ड पीपल
एंड अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं जिनसे उनको भी एम्पावरमेंट मिले। यहाँ पर सबको इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है विच क्रिएट्स अ वेलकमिंग एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। Now before we move ahead in the video, let me introduce you Kodu AI. It's an AI coding agent right in your IDE. So it's a VS Code extension which is very useful for both coders and non-coders. Let us quickly install it. To install this, we need to have the VS Code already installed in our systems. जो कि मेरे पास already installed है. Now I will install the extension. 2 seconds में extension install हो जाती है. So I will be solving 2 use cases. पहला use case, मुझे बिल्कुल coding नहीं आती है. I want to create a landing page for me. एंड दूसरा यूज केस, आई ऑलरेडी हैव अ कोड बेस जिस पे मुझे इंप्रूव करना है, उसमें एरर्स वगैरह डिबग करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट यूज केस। आई विल बी प्रोवाइडिंग अ प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज और इसका जो डेटा होगा वो मेरे रिज्यूमे से आएगा एंड आई विल प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ माई रिज्यूमे एंड आई थिंक इट गॉट द आइडिया, इट स्टार्टेड थिंकिंग। हमें पूरा थॉट प्रोसेस यहाँ पर दिख जाएगा। इट इज सेइंग लेट स्टार्ट बाई क्रिएटिंग द HTML फाइल। ओके, क्रिएट द इंडेक्स फॉर HTML फाइल। नाउ इट विल क्रिएट द CSS फाइल फॉर अस। सो आई थिंक द लैंडिंग पेज इज डन। लेट सी हाउ वी कैन ओपन इट। So this is how the page looks like. Software engineer, founder, innovator. Okay, cool. About me, my experience, my education, my skills. This entire data is picked from the picture of the resume which I shared. Nice, interesting. इसपे और कमांड देके इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। Now let us solve the second use case. So basically हमारे पास एक एप्लीकेशन है which is a social networking website. एक डमी वेबसाइट है हमारे पास and this is how it looks. काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक लगती है ये। So let's try to change it a little bit. सो बेसिकली मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने बनाया हुआ है एंड इसमें मुझे कुछ इंप्रूवमेंट्स करवाने हैं। सो आर मॉडल विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द एंटायर कोड बेस, उसके बाद ही विल डू सम चेंजेस ओवर हियर एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कोड बेस इट्स आल्सो गोइंग टू समराइज एवरीथिंग। सो लेट्स सी व्हाट चेंजेस डू वी वांट। आई थिंक हमें इसका जो UI है वो थोड़ा सा मॉडर्न लुकिंग करवाना है एंड लेट्स चेंज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम सोशल कनेक्ट टू सोशल मीडिया। Okay, it's making some changes in the index.html file. So whenever it makes changes to any file, we will have to accept that command. Making some changes to styles.css file. Okay, accepted. So yeah, app.js. Okay, let's accept the changes. And finally, let's see ki how our page looks. The best part of it is कि आपको पूरा का पूरा thinking process यहाँ पर पता चल जाता है कि क्या क्या changes होने वाले हैं। Okay, so इसने थोड़ा सा UI change किया है, yes, इसकी branding भी change करी है। If you want, we can even change the color palette, we can add more features, nav bar देखो कितना अच्छे से change हो चुका है। So yeah, you can do a lot of things with this extension and it's a very useful extension. Definitely give it a try. इसमें आपको कुछ credits free मिल जाएंगे, you will be able to try a lot of things for free itself. The link is there in the description, definitely go and check it out. इसको install करने से पहले VS Code install कर लेना and play around with this application and do let me know in the comment section ki what did you build. Now let's continue the video. Health and wellness की अगर हम लोग बात करें तो employees also get best in class medical benefits जो आपके और आपकी family के लिए health coverage provide करते हैं including hospitalization और wellness programs. इसके अलावा you also get life insurance, accidental insurance जिससे you can make you and your family financially secure. अब देखते हैं कि TCS के एम्प्लॉयज़ ने TCS को आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग्स दी हैं बेस्ड अपॉन डिफरेंट क्राइटेरियाज। और ये जो डेटा है, दिस डेटा इज फ्रॉम एम्बिशन बॉक्स। सो लेट अस सी, जॉब एंड सिक्योरिटी के लिए TCS को मिले हैं 4.6 आउट ऑफ 5 विच इज़ वेरी गुड। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए 3.8 आउट ऑफ 5। कंपनीज कल्चर 3.7 आउट ऑफ 5। स्किल्स एंड सेल्फ ग्रोथ 3.6 आउट ऑफ 5। सैलरी एंड प्रमोशन 2.8 आउट ऑफ 5। वैसे तो सारे एस्पेक्ट्स में TCS को अच्छी रेटिंग्स मिली है लेकिन सैलरीज एंड प्रमोशंस को लेकर के एम्प्लॉयज आर नॉट दैट हैप्पी एंड काफ़ी लोगों का कहना है कि कोविड के बाद से प्रमोशंस एंड सैलरीज थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो गई हैं। अब आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताओ कि आपको TCS का कौन सा पर्क सबसे अच्छा लगा। नाउ दैट वी हैव एक्सप्लोर्ड द प्रोफाइल्स, कंपनी के पर्क्स एंड बेनिफिट्स एंड रिव्यूज, अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। What are the annual hiring numbers? And if you are joining TCS, what is packed for you? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS एक सब्सिडरी है टाटा ग्रुप की जो दुनिया की एक लीडिंग IT सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि IT कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। TCS के सर्विसेज काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं और ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, TCS ने हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया ऑन द पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट विच हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड पासपोर्ट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री बाय डिजिटलाइजिंग द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। TCS के क्लाइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड कंपनीज शामिल हैं जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक्स, सिटी बैंक, डॉश बैंक, ब्रिटिश एयरवेज, JPMC, इंटेल और कई और बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं।
ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट करता है TCS. TCS का प्रेजेंस 46 से ज्यादा कंट्रीज में है और इसमें 600,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द IT सेक्टर. TCS के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इंडिया में बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद जैसे मेजर सिटीज से भी TCS ऑपरेट करता है, यानी कि इन सारी सिटीज में ऑफिसेज भी हैं. ये ऑफिसेज डोमेस्टिक क्लाइंट्स के साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी कैटर करते हैं, जो TCS के वास्ट नेटवर्क और कैपेबिलिटीज को शोकेस करता है. एनुअली TCS हायर्स 40,000 to 45,000 फ्रेशर्स, विच मेक्स इट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फ्रेशर्स. पिछले कुछ सालों में जो टेक सिनेरियो है वो थोड़ा सा डायनेमिक रहा है, एंड सेम आर द TCS नंबर्स एज वेल. 2022 तक तो इट वॉज प्रीटी गुड, 43,000 लोग हायर करे थे, फ्रेशर्स हायर करे थे TCS ने, लेकिन 2023 में दिस नंबर वेंट डाउन टू 30,000 to 32,000 बिकॉज ऑफ द रिसेशन एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन. बट थिंग्स आर improving, things are getting back to normal, and for the 24-25 graduates, it's a good news that TCS is again going to hire around 40,000 freshers this time. चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि TCS कौन से exams के through hire करती है, उनका syllabus क्या रहता है, cut off क्या रहती है. और अगर आप लोग वीडियो पे अब तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, it is going to motivate us to make more such videos. तो मोस्टली TCS अपने NQT एग्जाम के थ्रू हायर करती है. NQT एग्जाम आपका फ्री भी होता है एंड पेड भी होता है. फ्री NQT आपका टू फेजेस में होता है, फेज वन ऑन कैंपस फेज, फेज टू ऑफ कैंपस फेज, और जो पेड होता है ना उसकी बात हम लोग थोड़ी देर में करेंगे. तो फेज वन में क्या होता है कि TCS हैज अ प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट लिस्ट, जिसमें उसके प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट्स होते हैं एंड उन्हीं में TCS NQT एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है. सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग यहीं से होती है. देन फेज टू इज द ऑफ कैंपस फेज, पैन इंडिया सारे कॉलेजेस में फेज टू कंडक्ट कराया जाता है एंड यहाँ से रिमेनिंग बच्चों की हायरिंग हो जाती है. नाउ लेट्स से TCS की 40,000 की वैकेंसी थी, फेज वन से 15,000 मिल गए, फेज टू से आपको मिल जाते हैं लेट्स से अगेन 10,000, तो 25,000 हो गए. बचे हुए 15,000 अब ये कैसे आएंगे? तो इनके लिए TCS कंडक्ट कराता है पेड NQT. TCS IN एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. इसमें लेट्स से आपका फेज वन फेज टू में से किसी में नहीं हुआ तो यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर पेड NQT. लगभग 1,000 rupees आपको पे करने पड़ते हैं इसके, बट यू गेट अ रिपोर्ट कार्ड. And this report card is valid for 2 years, I guess. मतलब 2 साल तक आपका ये report card बन जाता है. And not only TCS, TCS के साथ बहुत सारी और भी companies associated रहती हैं. अगर उनमें vacancy है तो आप इस report card को use करके उन companies में भी apply कर सकते हैं. Now based upon the score that you get in the TCS exam, आपको different profiles के लिए role आता है. जैसा कि मैंने बताया था, 3 profiles होती हैं, Prime, Digital and Ninja. Based upon your score, आपको उस प्रोफाइल के लिए कॉल आएगा. वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, बट आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ. TCS फ्री वाला जो है दैट इज कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट ऑफ दैट ईयर इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल 2024 में जो TCS फ्री कंडक्ट होगा दो फेजेस में जो ऑलरेडी चल रहा है आपका, तो बेसिकली इट इज़ फॉर 25 ग्रेजुएट्स. जो 25 में होगा दैट इज़ फॉर 26 ग्रेजुएट्स. ओके, इसमें पास्ट ईयर के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स नहीं बैठ सकते हैं. वेयर एज जो पेड NQT एग्जाम होता है IN प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2019 से लेकर के 2025 ग्रेजुएट्स तक बैठ सकते हैं उसमें. दे कैन ऑल्सो अपीयर एंड अप्लाई फॉर द NQT एग्जाम, विच इज़ वेरी गुड. इवन द पास्ट ईयर स्टूडेंट्स कैन सिट, जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग पाई है बिकॉज ऑफ एनी रीजन. ठीक है, तो अभी हम लोग इसका थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पे अपने दिख ही रहा होगा. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द सिलेबस एज वेल. बहुत ही सिंपल सा सिलेबस रहता है आपका. देर आर टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए जो है आपका दैट इज फंडामेंटल सेक्शन. इसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी आती है. न्यूमेरिकल एबिलिटी ड्यूरेशन रहता है 25 minutes का, वर्बल एबिलिटी 25 minutes ड्यूरेशन, रीजनिंग एबिलिटी 25 minutes ड्यूरेशन. पार्ट बी में एडवांस सेक्शन होता है, एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 minutes, एडवांस कोडिंग 90 minutes, एंड कोडिंग के आपके 2 questions आते हैं. तो टोटल ड्यूरेशन आपका हो गया 190 minutes का. अब TCS कोई कट ऑफ तो रिलीज नहीं करता, बट हमने कुछ स्टूडेंट से बात करी एंड वी गॉट टू नो दैट फॉर निंजा रोल सिर्फ फाउंडेशनल सेक्शन भी अच्छे से अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो आपको कॉल आ जाएगा. फॉर डिजिटल रोल इसमें फाउंडेशन सेक्शन आपका थोड़ा सा अच्छे से होना चाहिए, उसके साथ साथ अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन कर लेंगे, प्लस अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी इन क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, या फिर अगर आप 2 coding questions कर लेंगे और एवरेज परफॉर्मेंस होगी इन क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो आपको डिजिटल का कॉल आ जाएगा. फॉर प्राइम रोल एक्सीलेंट इन फाउंडेशन सेक्शन, प्लस दोनों क्वेश्चन होने चाहिए, प्लस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन क्वांट एंड लॉजिकल, तब जाकर के आपको प्राइम का कॉल आएगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेट की TCS का NQT एग्जाम फेयरली सिंपल होता है. FT जो है काफी सिंपल आती है, बट यू नीड टू बी वेरी गुड एट इट. थोड़ा फास्ट आपको करना होता है बिकॉज टाइम लिमिट है एंड कोडिंग क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल के होते हैं.
वंस यू गिव द NQT एग्जाम एंड गेट्स एन इंटरव्यू कॉल, तो इंटरव्यू का प्रोसेस भी फेयरली सिंपल रहता है. आप लोगों से कंप्यूटर फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, HR राउंड, मैनेजरियल राउंड, थोड़े से लीडरशिप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड यू माइट इवन हैव वन इंटरव्यू, एक पैनल डिस्कशन होगा जिसमें ये सारे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. TCS also hires through its code beta test. वैसे तो ये कॉम्पिटिशन है, बट इस कॉम्पिटिशन के जो भी हमारे विनर्स होते हैं उन लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आ जाता है TCS से. एंड इट ऑल्सो ऑफर्स वेरी गुड प्रोफाइल, तो इट्स अ मस्ट गिव टेस्ट. इसका जो सीजन 11 है वो मार्च में हुआ था, इसका सीजन 12 होने वाला है नवंबर में. आप लोग जाकर के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेना, बाकी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड मेरे टेलीग्राम पे भी इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सो फॉलो द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. अब फाइनली बात करते हैं TCS के एग्जिट प्रोसेस की. अब किसी भी कंपनी का एग्जिट प्रोसेस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू वुड लाइक टू स्विच इन फ्यूचर, राइट? तो TCS के एग्जिट प्रोसेस में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सबसे पहला नोटिस पीरियड. यहाँ पर आपको 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. मतलब एक कंपनी अगर आपको हायर कर लेती है, दैट कंपनी वॉन्ट्स यू टू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल. और अगर आप उनको बोलते हैं कि यार TCS से मुझे 3 महीने बाद ही फ्री करेंगे वो लोग, तो वो लोग इतना वेट नहीं करते. मोस्ट ऑफ द टाइम दैट कंपनी डू नॉट वेट फॉर यू. सो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ कि वो पहले पेपर्स डाल देते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, एंड उसके बाद फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 90 डेज नोटिस पीरियड. ये काफ़ी ज़्यादा है. बट आप अपने मैनेजर के साथ, अपने HR के साथ थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा नोटिस पीरियड खरीद सकते हैं, बेसिकली कम करवा सकते हैं नोटिस पीरियड. सो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ आउट. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज बॉन्ड. तो बेसिकली TCS डिजिटल एंड प्राइम में तो कोई बॉन्ड नहीं है, बट TCS निंजा में देयर इज अ बॉन्ड ऑफ 1 ईयर. अगर आप 1 साल से पहले TCS निंजा छोड़ते हैं, मतलब छोड़ सकते हो, बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको धर लिया जाएगा TCS में, बट अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 50,000 rupees देने पड़ेंगे, जो कि वो बोलते हैं कि हमने इतने की ट्रेनिंग करवाई थी तो पैसा वसूल नहीं हो पाया, तो 50,000 दे करके जाओ, ठीक है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर आप एक बार TCS छोड़ देते हो, यू कैन नॉट ज्वाइन TCS अगेन. टाटा ग्रुप की और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, बट TCS ज्वाइन नहीं कर सकते. सो ओवरऑल TCS इज़ अ वेल रेप्यूटेड कंपनी. TCS अगर आपके रिज्यूमे में है तो इट्स ऑलरेडी गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एडवांटेज. ऑल दो सैलरी एंड प्रमोशंस थोड़ा सा स्लो है यहाँ पर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आफ्टर वर्किंग 2-3 years इन TCS दे स्विच. TCS में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है बेंच पीरियड. कई बार क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट में आपको एलोकेट नहीं किया गया है, तो यू विल बी सिटिंग ऑन बेंच. आप काम नहीं कर रहे होगे, आपको सैलरी मिलेगी. अ लॉट ऑफ पीपल इन्जॉय दिस पीरियड. बट जो थोड़ा सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, दे आइदर प्रिपेयर फॉर अ स्विच और दे अपस्किल देमसेल्व्स, ताकि वो जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो वहाँ पर अच्छे से काम कर सकें. दे लर्न डेवलपमेंट, दे लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, बहुत सारी चीज़ें वो लोग सीखते हैं. बाय द वे, अगर आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखना है तो हमारा DSA का कोर्स चल रहा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है. सो आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जिन लोगों ने TCS से, इंफोसिस से, एक्सेंचर से, सर्विसेज कंपनी में स्विच किया है, 10x 5x हाइक्स उनको मिले हैं, वैसी स्टोरीज मैंने कवर की हुई हैं. आई हैव मेड अ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट फॉर दैट, तो यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यू कैन गेट इंस्पायर्ड बाई दैम. आई होप आप लोगों को वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्रेस दैट बेल आइकन. सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.